हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फिज़ा और फिज़ास कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम रस भरी जलेबियाँ। तो फ्रेंड्स, ये वाली जलेबियाँ हम आज बिना किसी झंझट के सिर्फ तीन ही चीज़ों से आराम से घर पे ही बना लेंगे। बेटर को घंटों तक रखना भी नहीं पड़ेगा और आराम से 15 मिनट में जलेबियाँ भी बन जाएगी और बेटर का फर्मेंटेशन भी इंस्टेंट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी ये जलेबियाँ कितनी रस भरी और एकदम कुरकुरी बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फिज़ास कुकिंग पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो बिना किसी देरी के जलेबियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो जलेबियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चाशनी बना लूंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में एक कप चीनी ली है और उसके साथ मैं यहाँ पे आधा कप पानी डालूंगी। तो आप जितनी चीनी ले उससे ज्यादा पानी लेना बना सकते हैं, लेकिन इतनी जलेबी के लिए ये चाशनी परफेक्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े से फ्लेवर के लिए दो इलायची को पीस के डाल रही हूँ और उसके साथ साथ एक चम्मच नींबू का रस। नींबू के रस की वजह से हमारी चाशनी क्रिस्टलाइजेशन नहीं करेगी। अभी आपको यहाँ पे चाशनी को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ तेल के जैसे चिपचिपी होनी चाहिए। अगर ये चाशनी में तार आ गया तो हमारी जलेबियाँ चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और अंदर से रस भरी नहीं बनेगी। तो उसके बाद हमारी जलेबियों को एकदम कलरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा केसर फूड कलर इसमें यूज कर रही हूँ। तो अभी हमारी जलेबियों की चाशनी बनके रेडी है, तो अभी हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो जलेबियों का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में एक कप मैदा लिया है। उसके बाद मैं इसमें एक चम्मच घी डालूंगी। तो उसके बाद मैं इसमें इंस्टेंट फर्मेंटेशन के लिए एक पैकेट इनो का डालूंगी। तो आप यहाँ पे कोई भी इनो ले सकते हैं। इनो की वजह से हमारी जलेबियों के बैटर में इंस्टेंट फर्मेंटेशन आ जाएगा। इसकी वजह से हमें इस जलेबियों के बैटर को घंटों तक नहीं रखना पड़ेगा। तो अभी हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे और एक बैटर तैयार कर लेंगे। प्रकार की छाछ की प्लास्टिक बैग ली है। आप चाहे तो कोई और भी प्लास्टिक बैग ले सकते हैं या तो फिर पाइपिंग बैग भी ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको ग्लास के अंदर सेट करके इसके अंदर बैटर को भर दूंगी और नीचे से थोड़ा सा कट लगा के जलेबियाँ बनाऊंगी। तो आपको अभी इसको रबर बैंड की मदद से ऊपर से सिक्योर कर देना है। तो अभी मैंने यहाँ पे जलेबियों को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑयल एकदम अच्छे से गरम हो गया है। तो अभी हम इसमें सारी जलेबियों को बना लेंगे। जलेबियाँ बनाते समय हमें ऑयल के टेम्परेचर पर खास ध्यान देना है, क्योंकि अगर तेल हल्का सा गर्म भी होगा तो हमारी जलेबियाँ चपटी बनेगी। तो हमें हमेशा मीडियम आँच पर ही जलेबियों को फ्राई करना है। तो अभी हम सारी जलेबियों को इसी प्रकार से कुरकुरी होने तक फ्राई कर लेंगे। We'll be right back.